ताजमहल को बनाने में कितना रुपया लगा था, कितने दिन लगा था और कितने मजदूर ने कहां कहां के मजदूर आकर ताजमहल को बनाए, इन सभी को जानकारी आपको वीडियो के अंत तक बन रहे, सारे के सारे जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिलेगा। क्या आपने ताजमहल का नाम सुना है? आप लोग कहेंगे कि मैंने तो ताजमहल का नाम बार बार सुनेंगे, लेकिन ताजमहल कौन बनाया है क्या आप जानते हैं? जी हाँ, ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन शाहजहां ताजमहल जो बनवाया है उसका कोई अभी तक उसका प्रमाण मिला हुआ है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाए हुए हैं? आप लोग कहेंगे कहा इसका जो दर्ज होगा इतिहास में, केवल इतिहास में, लेकिन उसका अभी तक कोई सबूत नहीं है कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया हुआ है। आपको अगर सबूत उसके बारे में पता है तो चार सकते हैं, लिख सकते हैं बनवाया गया वहाँ दिल्ली में बनवाया गया, बात फैक्ट है कि आगरा में ताजमहल, लेकिन जो ताजमहल है उसको कहाँ कहाँ के मजदूरों ने बनाएंगे? आप लोग कहेंगे कि केवल इंडिया यानी कि भारत का जो मजदूर है वहीं ताजमहल बनाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, विदेशी भी मिलकर ताजमहल को बनवाए हुए हैं, जो कि पारस और तुर्की का जो व्यक्ति है वह ताजमहल को बनाया, पारस तुर्की और भारत ऐसा ही देश के व्यक्ति है मिलकर ताजमहल के एक ताजमहल का निर्माण किए हुए हैं। ऐसा ही वीडियो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वह ताजमहल बनाने में कितने वक्त लगा, यानी कि सबसे अधिक समय ताजमहल को बनाने में लगा, यहाँ बात फैक्ट है कि बहुत अधिक दिनों में ताजमहल को बनाया गया, लेकिन ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष लगा, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 22 वर्ष लगा। आप लगाओ का आप कैसे कह दिए 22 वर्ष? जी हाँ, 1632 से लेकर, यानी 1632 से लेकर 1653 तक ताजमहल को बनवाया गया, जो कि अगर उसका जोड़ा जाए तो लगभग 22 वर्ष के करीब वह उसका समय लग गया बनवाने में ताजमहल का। है सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि कितने के स्पीड में आता है आज जानकर चल जाएंगे। जी हाँ, सबसे अधिक मात्रा में जो चक्रवात का स्पीड होता है, चक्रवात यानी जो आंधी तूफान आता है, वो बड़े बड़े गाछ हो, वृक्ष हो, घरों, मकान द्वार को गिराता है। किस कारण गिरता है? क्योंकि उसका जो हवा का राजा होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी कि 320 किलोमीटर प्रति यानी घंटा का रफ्तार में हवा का स्पीड होता है, जो कि अगर पूर्ण से कहा जाता है तो जो हवाई जहाज उड़ता है उसके स्पीड से हवा चलता है, जिसके कारण पेड़ पौधे गिर जाते हैं। ऐसा ही वीडियो क्रिया होता है प्रतिदिन, यानी कि जो चक्रवात निकलता है वो कहाँ से आता है चक्रवात, यानी कोई ना कोई फिक्स जगह होगा जहाँ के चक्रवात आता हो। आप लोगों को यानी कि पृथ्वी पर किसी जगह चक्रवात आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो चक्रवात होता है बहुत अधिक मात्रा में जो तूफान की तरह निकलता है, लेकिन जो बंगाल है, बंगाल के नाम आपने क्या सुना होगा, चार सौ मिल सकता है, बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में यानी कि अधिकतर वहाँ से यानी कि बंगाल के खाड़ी से चक्रवात निकलता है और पूरे दुनिया को, यानी कि लगभग भारत में अधिक मात्रा में चक्रवात बंगाल के खाड़ी से निकलकर उसे परेशान करता है। रिकॉर्ड यानी कि सबसे अधिक मात्रा में रिकॉर्ड कहाँ किया गया है कि सुनामी आया है, जिससे कि बहुत अधिक व्यक्ति मरे हुए हैं, जो कि सबसे अधिक मात्रा में सुनामी हिंद महासागर में आया हुआ है, जो कि दिसंबर 2004 में आया हुआ था, जिसमें लोग की मरने की संख्या है 2,30,000, यानी कि 2,30,000 से लेकर 2,80,000 तक व्यक्ति सुनामी से केवल मर गए थे, जो कि सबसे अधिक मात्रा में अब तक वहां रिकॉर्ड किया गया है दिसंबर 2004। चल रहा था कि सुनामी को पता करना संभव है कि कब सुनामी आने वाला है, लेकिन सुनामी के कारण जो कि समुद्र में जहाज प्रतिदिन चलना है, तो फैक्ट है कि समुद्र में जहाज प्रतिदिन बहुत अधिक सारे जहाज चलते हैं जो कि समुद्री जहाज होते हैं, लेकिन जो समुद्री जहाज एक वर्ष के अंतर्गत कितने सुनामी के कारण वह नष्ट होते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, जहाँ एक वर्ष के अंतर्गत कम से कम एक जहाज को खत्म हो ही जाने, यानी कि बड़े बड़े जहाज जो है एक जहाज को नष्ट हो जाता है। उस पर कौन ऐसा जगह है जो कि सबसे अधिक मात्रा में वहां पर, यानी कि निश्चित है कि वहां पर सुखाड़ होना है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, लेकिन आप लोग कहेंगे राजस्थान, राजस्थान सुखाड़ नहीं कहता, वहां पर मरुस्थल है, वहां पर कभी बारिश होता ही नहीं है, लेकिन जो जगह है यानी कि अमेरिका, अमेरिका में एक जगह है जो कि मध्य पश्चिमी, जो कि और मध्य पश्चिमी और मध्य दक्षिणी जो जगह है वहां पर सबसे अधिक मात्रा में वहां पर सुखाड़ रिकॉर्ड किया गया, कभी कभी सुखाड़ नहीं होता है, इसलिए वहां पर कहा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में सुखाड़ होने की संभावना। इसे कहते हैं यानी कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि जैसे कोई सीरियल धार्मिक हुआ उसमें बताया गया कि अकाल पड़ गया, लेकिन कभी आपने महसूस किए हैं, क्या पता क्यों कि अकाल किसे कहते हैं? जी अकाल का अर्थ हुआ कि जिस समय बारिश नहीं हुआ, बारिश होने के कारण जो कि कोई धान गेहूं नहीं हुआ, जिसके कारण कहा जाता है कि अकाल पड़ गया है, यानी कि पूर्ण रूप से कहा जाता है सुखार, जहां पर बारिश नहीं हुआ वहां पर अकाल कहा जाएगा, जिसको ने आजकल के साइंटिस्ट ने उसे दूर कर दिया, क्योंकि अकाल का शब्द आप लोग अब लोग नहीं सुने होंगे, क्योंकि वह मशीनों द्वारा पानी पटा कर उसे अकाल को खत्म, यानी कि चक्रवात आता है वह किस कारण से आता है क्या आप जानते हैं? 400 मिल सकते हैं, लेकिन चक्रवात पर जिसका यानी कि कभी यानी कि नाम रखा गया था, किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसके कारण चक्रवात के नाम रखा गया, आप लोगों ने कोई व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा था, लेकिन हाँ उसका रखा जाता है वह कौन से, यानी कि गर्ल, यानी गर्ल यानी कि लड़की, लड़की के नाम है, जितने भी चक्रवात आज तक उखरे
या चक्रवात आते हैं उसको लड़की के नाम यानी कि गर्ल के नाम पर रखा जाता है। लेकिन यह क्यों रखा जाता है, चार सेकंड लिख सकते हैं, यानी कि अधिकतर जो फुटबॉल खेला जाता है वो फुटबॉल है वह कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बनाया जाता है। मैं उस जगह का नाम धरूंगा जो कि आपको विश्वास ही नहीं होगा, आप लोग कहेंगे आप बहुत झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप गूगल पर जाकर एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में फुटबॉल कहाँ बनाया जाता है। जी हाँ, जो फुटबॉल अधिकतर मात्रा में पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम आप सुनकर चौंक गएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान में लगभग 80% जो फुटबॉल खेला जाता है उसका निर्माण लगभग 80% पाकिस्तान में ही बनाया जाता है।